दिस इज नीता एंड वेलकम टू माय चैनल कुक विद दिल से। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और ये दिवालियों का बहुत ही फेमस स्नैक्स है। और ये बेसन की बेसिकली नमकीन होगी और इसमें कसूरी मेथी और डाल के बनाए गए, तो ये बहुत ही हेल्दी होने वाला है। और ये दिवाली में तो बहुत ही फेमस है, ऑलमोस्ट सबके घर में बनता है और सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं अपने अपने स्टाइल में। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसको आप स्टोर करके आप एक दो हफ्ते तक आराम से रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक कप बेसन लिया है और साथ ही ऐड करेंगे एक कप मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर, इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया एक चम्मच नमक। नमक अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें। इसको हल्के हाथों से पहले थोड़ा मिला देंगे। इसको यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलाना है, जस्ट इतना करना है कि नमक चारों तरफ फैल जाए, बस उतना ही मिक्स करना है। इसके बाद मैंने ऐड किया इसमें मेथी, कसूरी मेथी। आप यहाँ चाहें तो फ्रेश पत्ते वाली मेथी भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड किया। करीब एक छोटा कटोरी है और एक छोटा चम्मच अजवाइन मैंने यहाँ पर ऐड किया। और दोनों हाथों से मसलते हुए इसको ऐड करें ताकि उसका फ्लेवर और निकल के आए, बहुत अच्छे से उसमें फ्लेवर आ जाए। और इन सबको अच्छे से अब मिला देंगे। इसके बाद मैंने ऐड किया गरम तेल, वेजिटेबल ऑयल है तो तेल यहाँ पे आप गरम ही ऐड करें ताकि ये नमकीन खस्ता हो, काफ़ी क्रिस्पी बने। इसके लिए जितना ज़्यादा ये तेल गरम होगा बहुत अच्छा होता है, तो आप एकदम से ज़्यादा गरम तेल ऐड करें। फिर इसको मसलते हुए और तेल को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे, जो भी मैदा और बेसन है इसके साथ दोनों हाथों से मसलते हुए। आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, ताकि तेल पूरा बहुत ही परफेक्टली मिक्स हो जाए इसके साथ। आप इस तरीके से मिक्स करेंगे तो काफ़ी अच्छे से हो जाती है मिक्स तेल। इसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे और ये पानी भी एकदम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, और पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि फिर नमकीन ये नरम पड़ जाएगी, खस्ती नहीं होगी। तो पानी यहाँ पे उतना ही ऐड करें जितना ज़रूरत हो और जितना समेटा जा सके आटे को, उतना ही ऐड करें। और एक बहुत ही हार्ड डो तैयार करना है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही हार्ड डो है। और इसको अच्छे से मसलेंगे, और अगर आपको लगे कि तेल चिपक रहा है तो थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे ऊपर से। बहुत अच्छा ये बन गया डो। अब इसको छोटे छोटे लोइयां बना लेंगे, तो लोइयों के लिए मैंने यहाँ पे इसको कट कर रही हूँ बराबर, ताकि एक समान लोइयां बने, एक ही से छोटा बड़ा नहीं हो, एक ही शेप में बने लोइयां। तो वहाँ पे मैंने बना लिया लोइयां। और अब इसकी अब बेलेंगे, पूड़ियाँ बनाएंगे पहले और फिर एक शेप देंगे इसको। कोई सा भी शेप आप दे सकते हैं यहाँ पे, आपको जो पसंद है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे पूड़ियों को जितना ज़्यादा पतला हो सके बेलना है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ट्रायंगल शेप दूंगी, अच्छे से हल्के से थोड़ा दबा देंगे ताकि वो चिपक जाए। जैसे ट्रायंगल शेप में पराठे बनते हैं, सेम शेप में मैंने यहाँ पे बनाया है ट्रायंगल शेप में। और बीच से इसको थोड़ा सा कट कर देंगे,
इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे मैं कट कर रही हूँ, ये मेरा एक तैयार हो गया। आप यहाँ छोटा बड़ा लंबा पतला कोई सा भी शेप दे सकते हैं, आपको जो इजी लगे वो शेप दे दें, मुझे ये इजी लगा इसलिए मैंने शेप दिया। ये ऐसे ही हम सारे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ दूसरा भी मैंने तैयार कर लिया, पूड़ियाँ बेल ली उसके लिए। फिर इसको अलग तरीके से बीच से काटेंगे पहले और हाफ़ कर लेंगे पूड़ियों को, और फिर एक तरफ से उठाते हुए दूसरे तरफ उसको दबा देंगे तो ट्रायंगल शेप हो गया। ये एक तरीका है दूसरा ट्रायंगल शेप देने का। और फिर मैंने बीच से इसको भी कट कर दिया तो ये डिज़ाइन बन गया। आप यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा तैयार कर लिया बना के। अब इसको हम लोग डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई के लिए कढ़ाई में तेल लिया मैंने और इसको बहुत हाई फ्लेम पे, इसको बहुत ज़्यादा गर्म करना है, एकदम जैसे डालते से ही इसमें वो ऊपर आने लगे, इतना तेल गर्म करना है। आप देख सकते हैं मैंने ट्राई किया थोड़ा सा आटा डाल के तो ये इतना गर्म हो गया है, आप देख सकते हैं ऊपर आया। तो इस तरीके से गर्म होना चाहिए। और जब भी इसमें ये नमकीन डाल देंगे तलने के लिए, उसके बाद हम लोग मीडियम फ्लेम कर देंगे ताकि वो अच्छे से पके, अंदर से पके। और इसको एकदम लाल होने तक पकाना है, फ्राई करना है, डार्क ब्राउन होने तक पकाएंगे, ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा करते हुए पका लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी दिख रही है और क्रिस्पी हुई भी है, ऐसे मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत ही क्रिस्पी हुई है। इसको आप हफ्ता दो हफ्ता तक स्टोर करके रख सकते हैं। और ये बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखें, बाहर ही रखें और बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। बेसन का नमकीन बनाने का ये मेरा एक तरीका है, सभी अपने अपने तरीके से बनाते हैं तो ये मेरा स्टाइल है। आप देख सकते हैं मैंने तोड़ा, बहुत इजली और सॉफ्ट हुआ है और खस्ता हुआ है, बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी लगता है ये। तो यहाँ पे मैंने सारे तल के तैयार कर लिए हैं और ये आप भी एक बार ट्राई करें ये रेसिपी इस तरीके से, ये बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो ये रही मेरी दिवाली की एक स्पेशल स्नैक्स रेसिपी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।